हर हर शंकर, जय जय शंकर। उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। यहाँ कण कण में देवियों का और देवताओं का वास है। आज करेंगे दर्शन उत्तराखंड के प्रमुख शिव मंदिरों के। केदारनाथ मंदिर। केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ साथ 4 धाम और 5 केदार में से भी एक है। यहाँ की प्राकृतिक जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलता है। पत्थरों से बने कलियुरी शैली से बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडवों ने कराया था। टपकेश्वर महादेव। टपकेश्वर महादेव मंदिर एक लोकप्रिय गुफा मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह देहरादून शहर के बस स्टैंड से 5.5 किलोमीटर दूर स्थित नदी के तट पर स्थित है। टपक एक हिंदी शब्द है जिसका मतलब है बूंद बूंद गिरना। ये कहा जाता है कि मंदिर में एक शिवलिंग है और गुफा की छत से पानी स्वाभाविक रूप से टपकता रहता है। नीलकंठ महादेव मंदिर। ऋषिकेश के पंकजा और मधुमती नदियों के संगम स्थल पर स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर एक प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र है। समुद्र तल से 1330 मीटर की ऊंचाई पर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित होने के कारण यह तीर्थ विष्णुकूट, ब्रह्मकूट और मणिकूट पहाड़ियों का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। यह मंदिर भी भगवान शिव को समर्पित है, जिन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान निकले कलाकूट विष को पीने के कारण बाबा का गला नीला पड़ गया था। यह भी माना जाता है कि यह पौराणिक घटना इसी स्थल पर हुई थी, इसीलिए इस मंदिर को नीलकंठ महादेव मंदिर कहा जाता है। लाखा मंडल मंदिर। सैकड़ों हजारों साल नहीं, ये शिवलिंग है करोड़ों साल पुराना। कहते हैं जब सृष्टि का निर्माण हुआ तभी से ये शिवलिंग लाखा मंडल में स्थापित है। देहरादून से 125 किलोमीटर दूर यमुना के किनारे स्थित लाखा मंडल का ये शिवलिंग यहाँ आने वालों के सारे पाप हर लेता है। बैजनाथ मंदिर। बैजनाथ मंदिर बागेश्वर जिले के गड़ूर तहसील के अंतर्गत आता है। यह मंदिर गरुड़ से 2 किलोमीटर की दूरी पर गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। बैजनाथ धाम एक ऐसा शिव धाम है जहां शिव और पार्वती एक साथ विराजमान है। कहा जाता है कि भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह भी यही हुआ था। बालेश्वर मंदिर। बालेश्वर मंदिर चंपावत जिले का एक खूबसूरत तीर्थ स्थान है। दरअसल ये मंदिरों का समूह है जिसका निर्माण चंद वंश ने करवाया था। ये मंदिर हिंदू देवी बालेश्वर, रत्नेश्वर और चंपावती दुर्गा को समर्पित है। मंदिर के मंडप और छत पर की गई नकाशी इसकी खूबसूरती में और इजाफा कर देती है। बिनसर महादेव मंदिर। रानीखेत से 19 किलोमीटर की दूरी पर बिनसर महादेव मंदिर समुद्र तल से 2480 मीटर की ऊंचाई पर स्थित क्षेत्र का प्रमुख मंदिर है। मंदिर चारों तरफ से घने देवदार के वनों से घिरा हुआ है।
मंदिर के गर्भगृह में गणेश जी, हर गौरी और महेश मर्दिनी की प्रतिमा स्थापित है। महेश मर्दिनी की प्रतिमा पर मुद्रित नागरी लिपि मंदिर का संबंध 9वीं शताब्दी से जोड़ती है। बूढ़ा केदार मंदिर। बूढ़ा केदार मंदिर नई टिहरी से सड़क मार्ग से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस स्थान पर बाल गंगा और धर्म गंगा नदियां आपस में मिलती हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार दुर्योधन ने इसी जगह पर तप किया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद पांडव भगवान शिव को खोजने निकले, तब रास्ते में उनकी मुलाकात भृगु पर्वत पर ऋषि बालखिल्य से हुई। बालखिल्य ऋषि ने पांडवों का मार्गदर्शन किया और उन्हें बताया कि एक बूढ़ा आदमी संगम के पास ध्यान कर रहा है। तब पांडव उस जगह पहुंचे तो बूढ़ा आदमी अचानक शिवलिंग के पीछे गायब हो गया। बूढ़ा केदार मंदिर इस शिवलिंग के ऊपर ही बनाया गया है। इस शिवलिंग को उत्तरी भारत में सबसे बड़ा लिंग कहा जाता है और इस पर अभी भी पांडवों के हाथ की छाप है। जागेश्वर धाम। जागेश्वर धाम सबसे विशाल एवं सुंदर मंदिर है। ये देवभूमि हिमालय पर अल्मोड़ा में स्थित है। जागेश्वर का प्राचीन मृत्युंजय मंदिर धरती पर स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों का उद्गम स्थल है। अगस्तेश्वर महादेव मंदिर। अगस्तेश्वर मंदिर रुद्रप्रयाग शहर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक प्रख्यात हिंदू मंदिर है। यह गुफा मंदिर अलकनंदा नदी के किनारे तट पर स्थित है। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने केदारनाथ जाते समय रास्ते में इस गुफा में साधना की थी। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर यहाँ एक मेले का आयोजन किया जाता है। ऐसे ही प्राचीन मंदिरों के दर्शन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलेंगे अगले सोमवार को। तब तक के लिए खुश रहिए और हमेशा की तरह जपते रहिए हर हर महादेव।